टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉर्न टू स्माइल के और एक नया फ्रेश वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे टिकटॉक के बारे में, जो इंडिया में बैन हो चुका है भाई साहब। तो ये टिकटॉक बैन होने के बाद बहुत लोग खुश है एक तरफ और बहुत लोग दुखी है। कुछ लोग खुशी है मतलब कुछ कोई हो या फिर ना हो इंडिया में, यूट्यूबर लोग तो बहुत ही खुश है भाई, बहुत ही खुश है बैन चुद। और कुछ लोग दुखी मतलब सदमे में आ चुका है, इतना दुखी हो चुका है। ये लोग टिकटॉक में मुजरा करने वाले लोग ही है। और टिकटॉक बैन होने के बाद ये लोग बहुत ही कुछ चुतिया पर रिएक्शन दिया है। तो इन चुतिया पर रिएक्शन पर आज हम बात करेंगे। तो आओ यार बिना किसी दमपट्टी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इंडिया में जब से टिकटॉक बैन हुआ है भाई चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। और भाई बैन हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है भाई, क्योंकि इंडियन यूजर का डेटा का सवाल जो है इसमें, और इतना सारा क्रिंज और मसाला भी फैल रहा था भाई, तो बैन हुआ अच्छा हुआ है। तो सभी लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ये बात को मान लिया है कि भाई बैन हो चुका है। लेकिन कुछ चूतिया उद्गंडों ने ये बात को मतलब टिकटॉकर लोगों ने ये बात को मानने का तैयार ही नहीं है बैन चुद, सवालों पे सवेरे खड़े जा रहे हैं। अबे बहन चोद अभी भी टाइम है, समझ जाओ, वरना चाइना वालों ने जिस दिन तुम्हारा ही डेटा लेगा तुम पे ही बम मारेगा, मतलब तुम्हारी गांड ही तोड़ेगा, उस दिन समझ में आएगा कि बहन चोद टिकटॉक क्यों बैन हो जाना चाहिए था। तो लौंडो तुम सभी ने सनी लियोन का नाम सुना ही होगा। हॉट समर ऊपर से मैं भी हॉट, अच्छा साथ लगा ले मेरे दो टकीला शॉट, जुरा 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 पानी वाला डांस। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे ठरकियो, मैं इस वाली सनी लियोन की बात नहीं कर रहा हूँ, असली वाली सनी लियोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चूतिया भोसरी वाले सनी लियोन की बात कर रहा हूँ, जो टिकटॉक पे आके चूतिया पर गंद मचाते रहते थे। ये दीदी कुछ दिन पहले कुछ गेंद चोद रहा था, सुनना जरा। बस की नहीं है टिकटॉक से हटाना मुझे, तुम्हारे बस की नहीं, तुम जाओ दूध पियो और सो जाओ, जाओ, तुम्हारी बस की नहीं है मुझे टिकटॉक से हटाना, नहीं तुम्हारी बस की है ही नहीं, जाकर दूध पी के सो जाओ, यहाँ बकवास मत करो तुम्हारी। तो हाँ दीदी, अभी तो मार चो दिना टिकटॉक की, और मराओ और चुदाओ और चुदो। खैर टिकटॉक तभी गुजर चुका है, तो ये बकचोदी भी दे निकली पड़ेगी, और लंड और कान और गांड सभी जगह से खून निकलना भी बंद हो जाएगा। तो जब पूरी दुनिया में कोरोना ने सबकी गांड मार रखी है, उसी तरफ इंडिया में टिकटॉक बैन होने की खुशियां मनाए जा रहे हैं। और इसी वक्त हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान, जब ये क्या देख रहा हूं मैं, ये इधर ही रहता है भाई, पाकिस्तान तो इधर ही रहता है मेरा घर के पास, ऐसा दिख रहा हूं मैं। हाँ, तो पाकिस्तान में पबजी हुआ बैन, मतलब कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कुछ मतलब रीजन तो नहीं दिया है कि मतलब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ है इसके लिए, तो डेटा लीक हो रहा है ये बोलकर तो रीजन दिया है मतलब गवर्नमेंट ने, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ रीजन ही नहीं दिया पबजी बैन होने के लिए। सो वी कैन फील योर पेन ब्रो, दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर, तो व्हाट इज दिस। तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़। अबे ओ सांसारी बोका चुदी औरत, थोड़ा तो अकल वाली बात कर लिया करो, इतू सा बात कर लिया करो, ठीक है। हाँ हम लोगों को पता है कि तुम लोग भाई टिकटॉकर लोगों तो तुम्हारा दिमाग ठीक से विकास नहीं हो पाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कुछ भी बकचोदी करते जाओगे ऑनलाइन में आके, ठीक है। हमारा घर में जो चाइना का प्रोडक्ट है मतलब मोबाइल टीवी जो भी है, अगर उसको हम बाहर फेंक देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चाइना का कुछ हो जाएगा क्या, बहन चोद कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम पैसा तो उसको पहले ही दे चुका है ना चाइना वालों को, तो उन मदरसों को तो कुछ जाने वाला है नहीं। अगर हम लोग घर से ये टीवी या मोबाइल जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर निकल के फेंक देंगे, हमारा ही सबका नुकसान हो जाएगा, और इससे चूतिया इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। तो भाई जब YouTube वर्सेस TikTok का लड़ाई चल रहा था, तो एक मैडम TikTok से आके एक बात बोला था कि भाई एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में तो मेरा 4 घंटा लग जाता है, मेरा लग जाता है किसी और को पता नहीं। वो मैडम इस टाइम में कुछ आके स्टेटमेंट दी है मतलब कुछ दुख और दर्द शेयर की है, तो चलो तुम और हम मिल के ये दुख और दर्द मैडम से कुछ बांट लेते हैं। दिलवाले
कुछ देने बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सच में यार, इतनी बुरी एक्टिंग कौन कर सकता है? इससे तो अच्छा केयर के अच्छा एक्टिंग कर लेता है। और इतनी बेसुरीली आवाज बहन चुप, क्या बताओ। तो देखो यार, जो लोग असली में टैलेंटेड है वो तो कहीं पे भी जाके अपना घर दुकान सब कुछ चला लेगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो खैर टिकटॉक ही क्यों ना हो। और लेकिन जो लोग लिपसिंग करते थे वो लोग अब जगह कहाँ पे गांड घिसेगा। जैसे कि तुम पकड़ लो हमारा ब्यूटी खान, ये दीदी तो पूरा के पूरा टिकटॉक ने लिपसिंग कर करके 8 मिलियन फॉलोअर्स कमा लिए थे। लेकिन अब ये दीदी कहाँ जाएगा, और जाते जाते भी ये दीदी होठ हिलाना नहीं छोड़ा है। अल्लाह दी कसम, मैं तू है ना प्यारा हो गया तेरा। मैं जो जैसे कि कुत्तों के पूछ कभी सीधे नहीं हो सकता है, वैसे भी ये टिकटॉकर लोगों का चूतिया पक्का भी खत्म नहीं हो सकता है। तो चलो यार, आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में कमेंट करके बताओ कि वीडियो में और क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और हाथ फैला के ऐसे तुम्हारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी शेयर करो। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाल कलर का जरूर, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करो और घंटा भी प्रेस कर लो। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता।